जेल में है रे हो कोई पीतांबर को जेल में है रे हो कोई पीतांबर को लाज बचा जा मोहन बसुरिया आज सभा में मेरी लाज बचा जा मोहन बसुरिया ना तो हम शरण तुम्हारे जी कर सभा में पुजारे जी एक दिना सखी नंद के लाल ने यमुना किनारे बजाई बसुरी ऐसी बजाई रचील बजी मैं तो खाई गिरी धरनी कसुरी श्याम के बिरह में धरन गिरी मेरे पीरोती पसुरी पसुरी नंद को लाल बड़ो छलिया बजाव तू है बैरन बसुरी कन्हैया बंसी बारे हाँ करो सभा में गुजारे हाँ तो हमारो बसुरी लाओ कुलाड़ी लोहार सजाई और जोरी में लिखे कर लहरी जसुरी चल सखी काटे उन बासन गोंजन में यू बजती सौतन बसुरी कन्हैया बंसी बारे हाँ तुम्हें ब्रजेश पुकारे हाँ ग्राम रही बारे हाँ दंगल में लाज रखोगे लाज रखोगे लाज रखोगे महावीर बजरंग बलि दंगल में लाज रखोगे। उपस्थित हम उम्र साथी बुजुर्ग एवं बच्चे माताएं एवं बहनें आज राजपूत कैसेट के सौजन्य से जो कथा लेकर के चल रहे हैं ये भागवत कथा में से ही प्रसंग लिया गया है। किस तरह से चंद्रवंशी महाराज याति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ में किया गया। दोस्तों ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि हुए, अत्रि मुनि के चंद्रमा, चंद्रमा के बोध, बोध के पुरुर्वा, पुरुर्वा के आयु और आयु के महाराज नवस हुए। नवस जो थे ये चंद्रवंशी राजा थे। सौ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में इन्होंने इंद्रासन को अपने कब्जा में कर रखा था।
काले श्याम तेरी नीला समझ में नहीं आई। ओ गुआरी का भी संग श्याम तेरी नीला समझ में नहीं आई। महाराज नहुष जो प्रजा को पुत्र की तरह से समझते थे दोस्तों, उन्होंने इंद्रासन को जब अपने कब्जा में कर लिया तो इंद्र की पत्नी एक बार इंद्राणी जो थी वो छत पर खड़ी हुई स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद में जब केशों को सुखाना उसने शुरू किया है तो ये तो आप जानते ही हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंसान का जब विनाश होने के लिए आता है तो उसकी बुद्धि पहले ही बदल जाती है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो छत के ऊपर खड़ी थी दोस्तों, कर लीने स्नान बिसरी गो ज्ञान कर्म गति छाई, और छत के यू पर यतिया पे इंद्राणी गई लहराई। दोस्तों इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने जिस वक्त स्नान किया है और स्नान करने के बाद में केशों को सुखा रही थी छत पर खड़ी हुई, और उधर से महाराज नहुष जब घोड़ा पर सवार होके आए और जब इंद्र की इंद्राणी ने देखा उन्हें तो अपनी सहेलियों से ताली मार के हंसने लगी और कहने लगी कि ये भी इंद्र का पद इन्हें प्राप्त हो गया है। और देखने में तो खूबसूरत थी ही क्योंकि इंद्र की पत्नी। अरे थी जो चंद्र बदलाओ दियारी, मन ही मन में हंसी लई जवनारी। अब वो हंसी तो इस बात के ऊपर कि ये भी राजा इंद्र का पद प्राप्त कर बैठे, लेकिन दोस्तों नैनन की गासी बुरी जाए कले दो सिरे हो रो रामा, खान पान भावे नहीं दुर्बलो सुखरी रो रो रामा। जब महाराज नहुष को देख करके इंद्राणी हंसने लगी, नहुष ने जब देखा तो बुद्धि में यह विचार गूंज गया ये हमारी हंसी कर रही है। उन्होंने एक खत लिखा इंद्र की पत्नी के लिए और यह कहा कि अगर तुम्हें हमारे शासन में रहना है तो तुम्हें हमसे मिलना होगा। इंद्राणी ने जब उस चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो देखा, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं तो तुरंत ही उन्होंने खत का जवाब लिखा और ये कहा कि तुम जब हमसे मिलने के लिए आओ तो ब्राह्मणों की पालकी पर बैठ के आओ और ब्राह्मणों के हाथ से पलंग का स्वभाव वो हमारे घर में भिजवाओ। तो तुरंत ही उन्होंने जब आदेश दिया है तो ब्राह्मणों के द्वारा चारपाई को बनाया गया है, उनके इंद्राणी के घर में भेजा गया और ये भी लिखा था कि ब्राह्मणों की पालकी में बैठ के राजा नहुष चले आए हमारे पास। तो लई पलकी तब सजबाई है, लाए पलकी तब बधाई है। चली लाग लगाई है।
वक्त पालकी को सजवाया महाराज नहुष ने, इंद्राणी से मिलने के लिए बहुत तंग होने लगे, दुखी होने लगे कि वो वक्त कौन सा आए जब हम इंद्राणी के साथ विषय करें। और पालकी को कंधों पर रखने के बाद ब्राह्मण जब चले तो ब्राह्मण जल्दी से चल रहे हैं, फिर भी राजा के मुंह से निकल रहा है सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। जो ये वचन सुने तो क्रोध में आए के संग कहीं नो पानी, ब्राह्मण कहने लगे और एक कंबख्त में इतनी तेजी से चल रहा हूं फिर भी तू हमारी नाकम दम किए है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प हो जा। महाराज बाद में जिया ही होता है पर नारी के अंजाम में रोए, पर नारी के अंजाम में रोए आंसू नया ना है। अरे नादानी अरे बलवान बुद्ध ने चक्कर खायो है, नादानी अरे बलवान बुद्धि ने पलटा खायो है। दोस्तों जिस वक्त महाराज नहुष चीख रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, उसी वक्त ब्राह्मणों ने यह आवाज लगाई है कि कंबख्त तू हमें परेशान किए है तंग किए है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सर्प हो जा। उसी समय महाराज नहुष जो थे वो बहुत भारी अजगर का रूप धारण करके श्राप को भोगने लगे हैं। इन्हीं के पुत्र थे महाराज यात। बताने के लिए तो ये जा रहा हूं कि इन्हीं महाराज यात का विवाह सूर्यवंशी शुक्राचार्य की बेटी के साथ कैसे हुआ। दोस्तों यात जो थे वो जब शिकार खेलने के लिए आने जाने लगे तो शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की उसकी एक सहेली थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, जो ब्रजपर्वा की कन्या थी, और शुक्राचार्य की लड़की का नाम था देवयानी। देवयानी में और शर्मिष्ठा में इतना बड़ा हित था कि एक दूसरे को देखे बगैर चैन नहीं था। शर्मिष्ठा बोली एक दिन देवयानी से, आली घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती, चलो बहना तालना दिया है शर्मिष्ठा ने आली देवयानी, घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती है, चलो आज सहेलियों को साथ लेके चलें और सरोवर पर स्नान करने के बाद में हम और तुम लौट के चले आएंगे। दोस्तों प्रमाण तो यह मिलता है कि अकेली शर्मिष्ठा और देवयानी नहीं बल्कि इन दोनों के साथ में 10 बगिया में जब पहुंची रोहन जाए के उन बितरिया ने जितने कपड़ा रहा है तो सब उतार के अपने अपने वही किनारे से वही फेंक दे और नगिन हुए के भाई तालाब में कूद पड़ी। भक्तों जब नगिन हुए के वह तालाब में कूदी हैं सब
तैयार भई हैं, बस तालाब में कूद गई हैं। लड़कियां जिस समय लग्न होकर के सरोवर में कूद गई और ये स्नान करने लगी, स्नान करते ही करते जब ये नग्न नहा रही हैं, तब तक लड़की ने गौर से देखा तो आगे भगवान भूतनाथ आ रहे हैं। भोले बाबा को देख करके लड़कियां तुरंत ही उस सरोवर से निकल के भागी और अपने अपने कपड़ा पहनना शुरू कर दी। वस्त्र जब पहने तो धोखा में देवयानी के कपड़ा जो थे वो शर्मिष्ठा ने पहन लिए, और शर्मिष्ठा के कपड़ा जो थे राजा की लड़की जो थी उसके कपड़ा देवयानी ने पहन लिए। महाराज भूतनाथ के चले जाने के बाद में शर्मिष्ठा जो थी उसे अपने ऊपर बहुत बड़ा घमंड था, और जो उसने देखा कि हमारे कपड़ा इस भिकमंगा की लड़की ने पहने, अरे तन गुस्सा बढ़ आई और वही सखिया पे झुलाई। भगवान भोले बाबा के चले जाने के बाद शर्मिष्ठा कहने लगी, ओ नादान, तू तो ब्राह्मण शुक्राचार्य की लड़की है जो हमारे द्वार पर कौआ और कुत्तों की तरह से आस लगा के बैठता है, और उस भिकमंगा की लड़की होने के बाद तूने हमारे वस्त्र क्यों पहने? देवयानी ने जवाब दिया, सहेली धोखे से पहन गए, मैं जानबूझ के नहीं पहनी, मैं उतारे दे रही हूं और तुम अपने पहन लो। लेकिन देवयानी की बात कोई समझ में नहीं आई और आगे बढ़ करके शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल पर तार से तमाचा, आगे तूने मेरे कपड़ा क्यों पहने? और जो तमाचो बाके दो सो नए खून की बिटरिया बहुरा रुको बाहू बनाए बाहू ने तमाचो दो। अब तालाब का खेल कूद सब बंद हो गए और नौ तमाशो शुरू हो। अब क्या हुआ, शर्मिष्ठा जो राजा की लड़की थी उसने देवयानी के हाथ अपने हाथों में पकड़ ली और हाथ पकड़ करके पीछे को ढकेलती चली। पकड़ी हाथ में हाथ आई पीछे था एक कुआं, वो दिखाई नहीं दिया। अब देवयानी उसी कुआं में गिर गई। महाराज के सखियां सबरी झुलाई, कहा जवाब दियो बेटी, कहा जब
लियो बेटी सब रही है बदलाई। मैं कभी बाबुल जिंदा न छोड़े देवयानी बुआ में जावे गई। मैं कभी बाबुल जिंदा न छोड़े लली को बुआ में जावे गई। दोस्तों पीछे जो कुआ था उसी कुआ में देवयानी जब गिर जाती है, शर्मिष्ठा अपनी हमजोलियों को साथ लेकर के, सब सहेलियों को साथ लेकर के अपने घर के लिए वापस चली आती है और देवयानी सारी रात उस कुआ में ही पड़ी रही। अब क्या हुआ, सुबह जब हुआ, सुबह को महाराज यात जो थे, रोज का उनका यही नियम था, बिला रसाई खुशी मिल भारी। अरे लई ते तलवार रे शिकार की करिए प्यारी। महाराज याद ने घोड़ा सजाया, शिकार खेलने के लिए जिस वक्त चले हैं, जब घोड़ा पे चलो या नारी बढ़ो भूख बलधारी, भूख बलधारी। जंगल में पहुंच गाओ जाए न करी अवारी, न करी अवारी। जंगल में पहुंच गाओ जाए न करी है अवारी। महाराज यात ने सुबह होते ही होते घोड़ा तैयार किया है दोस्तों, और घोड़ा सजा करके जिस वक्त महाराज यात चलने के लिए उद्यत हुए हैं और शिकार खेलने के लिए आगे को जब बढ़े हैं जा रहे थे, किसी तरह से उसी कुआ के नजदीक से जब निकले, कुआ के अंदर जो लड़की पड़ी हुई थी, जो वस्त्रहीन थी, तो उसने जब घोड़ा के टापों की आवाज सुनी तो कुआ के अंदर से ही आवाज लगाई, कौन हो तुम? घोड़ा बाले बचो ही ने करो कि जइयो मैं तेरी रही। इधर उधर देखा महाराज यात ने, यह आवाज कहां से आ रही, कोई दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। जब राजा ने नजर रे घुमाई, कोई पड़ो नहीं मनुष्य दिखलाई। राजा ने पैर बढ़ाया, हेले ले तेरी नहीं घोड़ा बाले पर तो
गुफा के अंदर से जब आवाज लगाई, महाराज आपने नजर घुमाई है तो कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। देखा उन्होंने कि इस कुआ में तो कोई नहीं है। कुआ में जब झांक के देखा, एक नौजवान लड़की पड़ी है जो वस्त्रहीन है। महाराज यात ने अपने दुपट्टा को लेकर के कुआ में डाला। उस लड़की ने जब पहना और ये कहा कि मुझे बाहर निकाल लो, तो महाराज यात उस कुआ में कुछ घुसे, झोंके, देवयानी का हाथ पकड़ा, लाओ कुआ से खींच रे के सुनियो मेरे भाई। देवयानी को कुआ से बाहर जब खींचा महाराज यात ने, देवयानी कहने लगी श्रीमन आपका नाम क्या है। महाराज यात बोले इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम कौन हो और कुआ में कैसे गिर गई। देवयानी कहने लगी महाराज मैं शुक्राचार्य। अपने पिताजी से जाकर के हाथ जोड़ करके नमस्ते कहना, हमारे बारे में उन्हें समझा देना। और ये वचन कहने के बाद महाराज यात जो थे घोड़ा पर सवार होकर के जब चले, उसी वक्त देवयानी ने घोड़ा की लगाम पकड़ ली। तो महाराज यात कहने लगे क्या हुआ, तो जवाब दिया श्रीमन आप जा रहे हैं क्यों। कुआ से हमें निकालो है मेरी आंगन गही कलाई है, जवाब दिया है महाराज आपने हमारी जान बचाई है और तुमने हमें कुआ से निकाला है, तो मैं तुम्हें छोड़ करके और शादी करने के लिए कहां जाऊंगी, इसलिए हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। जो ये वचन सुने तो महाराज यात कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए, अरे तुम ब्राह्मण की लड़की और मैं चंद्रवंशी, ऐसा कभी नहीं होगा। और महाराज यात जो थे घोड़ा की लगाम में झटका दिया और वहां से चलने लगे। देवयानी खड़ी की खड़ी रह गई, जा रहे हो, अरे बाएं छोड़ाए जान हो निबल जान के कोई, बाएं छोड़ाए जान हो निबल जान के कोई, दिल से जब कर जाओगे तब जानूंगी तो। महाराज याद तो चले गए, देवयानी की तरफ कोई गौर नहीं की। और देवयानी लौट करके जब अपने घर पहुंची तो शुक्राचार्य कहने लगे बेटी सारी रात तुम कहां रही, जो भी बात थी वो सब बताई और जवाब दिया है तुम्हारे शिष्य बृहस्परवा की लड़की शर्मिष्ठा हमें कुआ में ढकेल के चली आई। उसने कही एक अपशब्द कहे, उसने ये कहा कि तेरा बाप भिकमंगा है। ये शब्द जब सुने हैं तो शुक्राचार्य को क्रोध आ गया,
अपनी लड़की को साथ लेकर के उस घर को छोड़ करके चलने लगे। दोस्तों, घर छोड़ के जब शुक्राचार्य चले, विश्वकर्मा ने जब यह सुना है कि गुरु जी जा रहे हैं तो भाग करके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, गुरु जी तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीवित रह पाएंगे। चरण पकड़ के गुरु जी के बतलाए अरे जवाब दिया कि तेरी लड़की ने हमें भिकमंगा कहा और तेरी लड़की हमारी लड़की को अंधे कुआं में ढकेल के चली आई, ऐसे अनादर के साथ, बेइज्जती के साथ मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। ब्रजवर्मा कहने लगा, गुरुजी अगर हमारी बेटी ने आपको भिकमंगा कहा और हमारी बेटी तुम्हारी बेटी को कुआं में ढकेल के चली आई तो मैं वचन देता हूं कि जिस दिन देवयानी की शादी होगी और देवयानी रानी बन के जाएगी उस दिन हमारी लड़की इसकी जिंदगी भर के लिए दासी बन के जाएगी। शुक्राचार्य जो थे वो ये वचन मान करके लौट के चले आए और शर्मिष्ठा ने जब जवाब सुनी, अब बाकी काटे खून ना रहे, मन ही मन में सोचने लगी अब क्या करें, और सब सखियन से जाके सलाह मिलाई और जवाब दिया है कि इसे किसी तरीका से देवयानी को मार दो अन्यथा हमें इसकी दासी बन के रहना होगा। तो शर्मिष्ठा की सब सखियां कहने लगी, ये कौन सी बड़ी बात, अरे स्नान के बहाने से उसी तालाब में लेके चलो और उसी पानी में दबा देंगे, खत्म हो जाएगी। सखियों को साथ लेकर के जब चली है शर्मिष्ठा और देवयानी भी साथ चली, लेकिन बाद में वो देवयानी कछुरा को अच्छो ही ना लगो, सुबह तालाब से निकल के दूसरी जगह बैठ गई। महाराज याद कहूं से शिकार खेल के आए और बट वृक्ष के नीचे उन्होंने घोड़ा को बांध दिया है, विश्राम करने लगे और जो देवयानी ने देखो सोई भाज के पहुंची, जल्दी चलो मेरे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, उन्होंने हमसे बार बार ये पूछा था कि तुम्हें कुआं से किसने निकाला किसने नहीं निकाला, इसलिए तुम हमारे साथ जल्दी चलो। याद ने सोचा शुक्राचार्य ने बुलाया तो जरूर जाएंगे। और दोस्तों घोड़ा खोला है उस वृक्ष से और महाराज शुक्राचार्य के नजदीक गए हैं। शुक्राचार्य ने दूर से आते हुए जब देखा तो अपनी लड़की से पूछा, ये कौन है, बताया है पिताजी इन्हीं ने हमें कुआं से निकाला था अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं मिलती। उसी समय महाराज यात को बड़े आसन पर बिठाल करके आदर किया, उनका सम्मान किया, लेकिन समझ गए कछु दिल में और पिताजी इतनी देव समझाए कुमार को स्वभाव कैसो है, बिटिया नीचे नवाई गई नारी बात सबरी बतलाई है, लली जब नीचे नवाई गई मूल बात सबरी बने बतलाई, शुक्राचार्य जी उन दोनों के विचार समझ गए। शुक्राचार्य अपनी लड़की से कहने लगे, बेटी इनका स्वभाव कैसा है, देवयानी कहने लगी ठीक है, ठीक ही है, कोई कमी ना ठीक है। याद से पूछा तुम्हें हमारी बेटी का स्वभाव कैसा लगा, याद कहने लगे ठीक है कमी का सुना, लेकिन कबो कबो जब हट कट जाती है तो बात करो कि ना मानती, बस ठीक है कोई कमी ना है।
बहुत सुंदर बेटा, बात तो यह है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, तुम्हारी क्या राय है? शुक्राचार्य कहने लगे कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। तो याद ने कहा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो हमें मंजूर है। दोस्तों याद रखना, महाराज शुक्राचार्य ने अपनी बेटी का विवाह बड़े हंसी खुशी के साथ चंद्रवंशी महाराज यात के साथ किया, शादी तो कर दी। और शादी करने के बाद में देवयानी जब रानी बन के चली, और देवयानी की सहेली शर्मिष्ठा जो थी वो दासी बन के चली। अब बात कुछ और बन गई, शादी तो एक संगम भाई लेकिन दो जाए नहीं। और जब दोनों पालकी में बैठ बैठ के चली तो शुक्राचार्य ने रास्ता घेरी महाराज यात की और चलत समय पे एक बात कही, लला एक बात को ध्यान रखियो, जो शर्मिष्ठा जो हमारी बिटिया के संगम जाए रही, विदाई के समय ये शुक्र ने कहा कि राजन इसका विश्वास न हो और पत्नी व्रत पर कायम रहना, दासी संग भोजन विलास न हो, देवी संग भोजन विलास न हो। शुक्राचार्य ने कहा कि हमारी लड़की के साथ में शर्मिष्ठा जा रही है, जिंदगी में कभी आप भूल करके इससे बात नहीं करेंगे। याद कहने लगे ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है। देवयानी और शर्मिष्ठा को लेकर के महाराज घर आए, देवयानी को दूसरे महल में छोड़ा और शर्मिष्ठा को उससे अलग दूसरे महल में छोड़ा। लेकिन दोस्तों शर्मिष्ठा और देवयानी इनके महल में अंतर कुछ ज्यादा था, ज्यादा दूर दूर महल थे दोनों। धीरे धीरे वक्त कुछ गुजरने लगा और समय बीतने के तत्पश्चात देवयानी के गर्भ से एक बेटा बहुबलकारी देवयानी के गर्भ से दो बालक पैदा हुए हैं यदु और तुर्बस। शर्मिष्ठा ने जब ये देखा तो अब पुत्र की कामना उसके हृदय में जागृत हो गई, मन में सोचने लगी कि देवयानी के दो लड़के हैं, कौन सा ऐसा वक्त हो जब हमारी गोद में भी कोई बालक हो। तो महाराज यात जो थे वो एक दिन शर्मिष्ठा के दरवाजे से निकले, शर्मिष्ठा ने जब देखा तो संकेत दे करके महाराज को अपने नजदीक बुलाया। याद कहने लगे हम तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, शुक्राचार्य ने मना किया है। कहने लगी मैं तुमसे बात नहीं करेंगे, केवल तुम हमें एक प्रश्न का जवाब दे, क्या आप हमें ये बताइए कि दहेज में जो चीज आती है उस पर अधिकार किसका होता है। महाराज यात ने जवाब दिया कि दूल्हे का। कहने लगी जब दूल्हे का अधिकार होता है तो दहेज के रूप में मैं भी आई हूं, क्या हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। दोस्तों ये शब्द सुनने के बाद महाराज यात उसकी बात में फंस गए, शुक्राचार्य की बात को भूल गए और शर्मिष्ठा के घर में आना जाना शुरू हो गए। अरे लीनो यदि प्रेम लगाई और देवयानी की याद बिखराई,
के तासी ने जाए देवयानी की बात को भूल गए और महाराज यात शर्मिष्ठा के घर में आना जाना शुरू हो गए। दोस्तों शर्मिष्ठा के गर्भ से तीन लड़का पैदा हुए, दुर्वा, अनु और पुरु। तीन लड़का तो हो गए लेकिन देवयानी को जबात ना मालूम कि शर्मिष्ठा के घर में कोई लली लला है या ना है। एक दिना की बात रहे, महाराज याद जो थे वो देवयानी के घर में बैठे भोजन कर रहे थे और भोजन करते वह ही तुरबस जो रहे वो रोन लगो और तुरबस जब रोन लगो तो महाराज याद के मुंह से निकलेगी देवयानी तुम्हारे घर में दो लड़के हैं, पता नहीं कितना उदम मचाते रहते हैं और शर्मिष्ठा के तीन लड़के हो गए, एक भी कभी बात नहीं करता। और जो देवयानी ने जो सुनी कि शर्मिष्ठा के तीन लड़का है, अब तो दोस्तों पैरों के तले धरती खिसक गई और दांती को पीस के कहने लगी क्या तुम हमारे बाप की बात को भूल गए हो? उन्होंने ये कहा था कि शर्मिष्ठा से बात मत करना, जो ये वचन सुने सोई महाराज याद के पेट में घूसा सो लगो है जिका बहु न कहा तो ज्यादा अच्छे रहते। अब देवयानी किसी के कब्जा में नहीं आई, देवयानी वहां से उठ करके अपने पिताजी के पास चली तो महाराज याद ने रास्ता घेर ली, हाथ जोड़ के विनती भी की लेकिन देवयानी ने कोई बात नहीं सुनी। और जब देवयानी ने कोई बात नहीं सुनी महाराज यात ने रास्ता घेर के बहुत कुछ कहा। जानते हो चोट खाई भाई नागिन और धोखा खाई भाई औरत, भगवान उन्हें मना सकत। अब देवयानी की कोई बात समझ में ना आई और भागत भाई अपने पिताजी के पास चली और सोचत जा रही है बारे आई न। अब समझ में आया और दोस्तों ये ध्यान रखना कि अही र दोनों पुरे यही से मुरो आई कहते हैं सांप को, सांप बोरो है सो तो है ही है लेकिन अहिर सांप से बोरो बाचा को मान ले बाचा मजे देवयानी सोचती हुई जा रही है कि बाहर यदुवंशी। अब अपने पिताजी के नजदीक गई और कहने लगी पिताजी तुमने ये कहा था कि शर्मिष्ठा से बात मत करना, शर्मिष्ठा के तीन लड़के हैं और हमारे दो ही लड़के हैं। जो ये बात सुनी एकदम से शुक्राचार्य को क्रोध आ गया कि हमारी बात को धूल में मिलाया, कमंडल से जल लिया और श्राप दे दिया। कि जिस यौवन के मत में तूने और मेरे फायदे को तोड़ा है, जिस यौवन के मत में तूने दासी संग रिश्ता तोड़ा है, चपरे में बजरिया लुट गई है ना समझ सको तो भूपाल तो बजरिया लुट गई है। श्राप दे दिया कि तुमने उस जवानी के मत में आकर के हमारी बात को धूल में मिलाया, मैं ये कहता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। महाराज यात्री बूढ़े हो गए, कमर झुक गई, मुंह में एक भी दांत नहीं रहा,
अब समस्या बहुत बड़ी सामने आने लगी। और जो देवयानी ने लौट करके अपने पति की हालत को देखा, पुनः लौट के भागी और कहने लगी, पिताजी मैंने तुमसे ये कहां कहा था कि तुम उन्हें बूढ़ा बना देना। वो जैसे थी लड़की, श्राप कभी वापस नहीं होता, इतना जरूर है कि उसके 5 लड़के हैं और सब अपने हेतु रिश्तेदारों को बुलवाए, सबसे ये कहे कि कोई अपनी जवानी हमें दे दो और हमारे इस बुढ़ापे को ले लो, तब तो ऐसा हो जाएगा। तो देवयानी ने फिर भी बहुत ज्यादा विनती की, महाराज मैंने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे पति को बूढ़ा कर देना, क्योंकि बासना किया कि सयोल बुलाना पूरी भैया के विनती के आधार पर महाराज शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा तुम अपने घर में यज्ञ रचाओ और निमंत्रण भेज करके हेतु रिश्तेदारों को बुलवाओ, उनसे ये कहो कि हमारी इस बुढ़ापे को आप ले लीजिए, अपनी जबानी हमें दे दो, कोई ना कोई तो ऐसा हमदर्द होगा ही जो तुम्हें अपनी जबानी दान में दे देगा। ये शब्द सुनने के बाद महाराज यात ने अपने घर में एक अनुष्ठान रचाया और सब हेतु रिश्तेदारों को बुलवाया। शाम को जब सब लोग भोजन करने के लिए बैठे हैं तो महाराज यात ने हाथ जोड़ के ठाड़े भाई और जवाब दो, भैया तुम्हें जना मालूम हमने तुम लोगों ने कायक बुलाओ, कायक बुलाओ, जवाब दो हमने जैसे बुलवाओ कि कोई 100 साल के लिए अपनी जवानी हमें दे दो और हमारे जो बुढ़ापे को ले लो। कछ कछ तो बिना पूरी खाए खिसकन लगी, भगवान बचा जो बुढ़ापे से हमें ना चाहिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना कि इनकम टैक्स से भी ज्यादा दुख बुढ़ापे में बताया है विद्वानों ने। एक गया, एक गई, एक आया, एक कर दे गया के सफाया, एक गया लड़कपन, एक गई जवानी, एक आया बुढ़ापा, एक कर दे गया के सफाया मौत। एक ने तो बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कुलाल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में हम धाए, क्या बताऊं बताया न जाए। उन दिनों की बड़ी याद आए जब स्टूडेंट लाइफ में था, कहूं पट्टी बस्ता पटक दे, कहूं उदम बता डोल रहे, कहूं बात की चिंता ना आती। वो जो जवानी आई, एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरी बाबा ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा में खुशी मन मनाई और सारे जीवन में जो करी कमाई बस सब बच्ची बच्चन के काम में आई, जवानी जामे चली गई। अब आओ नंबर बुढ़ापे को, एक ने आके ऐसा दबाया, सिर आलामा पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला पना सा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने गहाया, जिन्हें पाना था उन्हें बिन बुलाया। बुढ़ापे में सब नफरत करते हैं, अब आओ नंबर नानी मौत, एक छाती पे आके चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, लेस झटपटी घर से उठेगी, जाके शमशान वो पड़ेगी, आग लगेगी जिसमें जलेगी, हाय मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, मित्र घर पर कढ़ाई चढ़ेगी, यार बासों की ताबत तोड़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, एक कर देगी आके सफाया। दोस्तों किसी ने यह मंजूर नहीं किया कि हम अपनी जवानी तुम्हें देंगे। सबसे बड़े बेटा यदु से कहा कि बेटा क्या तुम अपनी जवानी हमें दे सकते हो? यदु कहने लगा, नहीं पिताजी, मैं अपनी जवानी तुम्हें देकर के तुम्हारे बुढ़ापे को खरीदे कब्जा से बाहर है, और तुम हमारी जवानी से और मेरी मां से ही विषय करोगे, गलत काम है, मैं ऐसा नहीं करेंगे। तुर्बस से कहा, तुर्बस ने भी मना कर दिया। यहां तक हुआ कि 4 लड़कों ने मना कर दिया और शर्मिष्ठा का सबसे छोटा लड़का जो था पुरु, उससे कहा, बेटा गोद में लेके कही लला वो सही दिए
बतलाई और लेके बुढ़ापे को बेदायो बल तू दिए दाई। हाथ जोड़ के मुड़ ने गिरा सुनाई सबसे छोटे लड़का से जब ये कहा बेटा क्या तुम अपना यौवन हमें दे सकते हो, दोनों हाथ जोड़ करके पुरु कहने लगा पिताजी कि यह मेरी दे असने हमई और प्रभु की तो प्रेम निशानी है जवान साथियों। पुरु ने जब ये कहा है कि पिताजी मैं अपना यौवन तुम्हें दे सकता हूँ, उसी वक्त सबसे छोटे बालक ने अपना यौवन दान में दिया है। और दोस्तों ऐसा ही नहीं बताया है, 100 साल व्यतीत हो गए तो फिर से बुढ़ा बोलिया याद रखना दोस्तों, महाराज व्यास ने 100 साल व्यतीत होने के बाद अपने बुढ़ापे को वापस लिया है। पुरु को दोबारा यौवन देने के बाद महाराज जो थे वो वन में परमेश्वर का ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। याद रखना इस बात के ऊपर लोग कुछ व्यंग भरे शब्द भी कहा करते हैं कि यदु को श्राप दिया था, यादवों के लिए गद्दी है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि पिता का श्राप पुत्र के लिए कुछ होता नहीं। दूसरी बात यह है कि जब श्राप उन्होंने दिया था उससे पहले ही इंद्र ने श्राप को खंडित कर दिया था। महाराज याद जब चले जाते हैं यदु वहां का शासन अपने कब्जे में करते हैं। और दोस्तों वन में पहुंचने के बाद अरे कीनो तपुई नने भाली इस तरह से जंगल में जाने के बाद में महाराज यात ने हंसी खुशी परमेश्वर का भजन किया, तपस्या की चौथे पन में। तो दोस्तों गोविंद हरे गोविंद